अगर मैंने तुझे तेरा पैसा नहीं दिया तो तू क्या कर लेगा? आप मेरे से ही पैसे लेकर एमएलए बने हुए हो ना? राइट, लेकिन गलत ये है कि इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद तू मेरी चाल समझ नहीं पाया। इलेक्शन जीतने के बाद तुझे पैसे लौटा दूंगा, ये तूने कैसे सोचा? अरे मेरी माँ, इतने दिनों बाद इसको कोई सही आदमी मिला क्या? अरे तेरा टाइम तो पैसा है, पार्टी कल नहीं है, आज है। हाँ ठीक है ठीक है, बॉल लेकर घूमने से नहीं चलता, जनरल नॉलेज होना चाहिए। दीवाल पर बॉल मारने से वापस आएगा, चूना मारेगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा, चल चल। भैया जो कल था वो आज नहीं है। अब इस एके की बात सुनो कान खोलकर, उससे पैसा मांगने कोई फायदा नहीं, वो दुकार देगा। उससे बड़ा पावर मेरे पास है, अगर कोई अस्त्र वक्त पर काम ना आए तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहिए। मैं ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा। पार्टी किधर है भाई? वैसे मुझे मालूम नहीं। निमे, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको अपनी जान प्यारी हो वो इस महफिल से जा सकता है। अपने एमएलए के लिए हम जान भी दे देंगे और जरूरत पड़ी तो जान ले भी लेंगे। सुनो मेरे हीरो, इन सब लोगों को जान से मार दो, मेरी बात मानो, जान से मार दो। मेरी जान बैठ। मैं दे दूंगा। वो लोग कौन है? हाँ अच्छा, वो भिखारी है। छी, क्या बोल रहा है? वो लोग कौन है ये पूछ रहे हैं? वो लोग माँ और बेटा हैं। यानी माँ। करेक्ट, वेरी गुड। वो बेटी और वो माँ, माँ के पेट से पैदा, इसलिए वो बेटी और वो माँ। कोई समझ में आया? मेरी माँ कौन है? माँ का पुराना नाटक फिर से शुरू कर दिया। देखो गुरु, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, बुरे लोगों को मारने के लिए ही तुम्हें भगवान ने इस धरती पर उतारा है।
मैंने तो नहीं सुना कि भगवान का भी कोई माई बाप होता है। इस दुनिया में बहुत बुरे लोग रहते हैं। तुम्हारा ये मामा तुम्हें उन बुरे लोगों की पहचान कराएगा। तुम्हारा ये मामा छोड़ के बाकी सब बुरे लोग हैं। तुम्हारा साफ दिल खराब हो जाएगा। अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो मुन्ना। खा लो। नहीं खाना। थोड़ा सा तो खा। जा जा। ओके ओके जा। अम्मा, इतना हमारा पूरे बदन में दर्द हो रहा है। हमारे डीजीपी को बोलकर उसको वहीं पर खत्म कर दो। अरे माँ, अरे हम लीगली जाएंगे तो इल्लीगली दुनिया की नजर में आ जाएंगे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। जाने दो, मैं अकेले ही उन्हें वहां जाकर मार डालूंगा। दर्द हो रहा है? बहुत हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे तू वहां तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। तू बुलेट के जैसे जाएगा और फंस जाएगा। क्या मैं उसे खत्म कर दूं? भाई। हाँ भैया, मैं आपसे कब से एक बात पूछना चाहता हूँ। तो पूछ ले। भैया आपका नाम इतना अजीब सा क्यों है, AK-47? अरे वो आंध्रा कर्नाटक हाईवे में 4 तारीख 7वें महीने में मिला था। उस दिन से सब लोगों ने मुझे AK-47 के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। बस ये नाम मेरे मन को भाग गया और मैंने उसे फिक्स कर लिया। और क्या, बस। तो ऐसी बात है, सिर्फ पैसे दोगे और कुछ? एक फाइट मारूंगा तेरा मुंह फट जाएगा। तुझे पैसे भी ज्यादा दूं और अपने दिल में बसो नाम भी। डायरेक्ट बोला रे तू, मेरे को तो वही आदमी चाहिए, बस। दूसरे लोग तो किसी काम के नहीं है। और मैं? छे, तू उसको तेरे से मैच करा रहा है? देखा, तू तो सड़ेले से भी सड़ेला है रे। बात तो वही है ना, भाजी में से जैसे करी पत्ता निकाल दिया। युद्ध करने के लिए सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र काफी नहीं है, उत्तरास्त्र, तुर्पास्त्र, नागास्त्र, ऐसे बहुत सारे अस्त्र चाहिए। ये तुम्हारा प्लस पॉइंट, अगर किसी को पता चल जाए और कोई उसको ले जाए तो हम ही बचेंगे ना। लेके जाके क्या, उसके हाथ से ताबीज निकाल देगा, फिर वो पागल हो जाएगा। दुश्मन तुम्हें मारने के लिए उसके कान में बोलेगा, वो 7 कदम पीछे जाएगा और तुम्हें 7 फीट नीचे जमीन में दफन कर देगा। ओके ओके, सेम सेम। तुमने कभी सर्कस देखी है क्या? हाँ, वो तो बरसों पहले बचपन में देखी थी। उस बात को आज क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? उसमें एक रिंग मास्टर रहता है। हाँ। उसके हाथ में एक छड़ी रहती है, ठीक है। वो छड़ी लेकर स्टूल पर मारता है तो शेर जाकर स्टूल पर बैठ जाता है। अगर उसी छड़ी को रिंग पर मारा तो शेर रिंग पार कर देगा। अगर आग दिखाई तो आग भी पार करेगा। क्या बोला रे? थैंक यू। वही सब देख के तेरे जैसा अगर पागल छड़ी में ही ताकत समझ के छड़ी लेके शेर के पास जाएगा तो शेर उसकी बिरयानी बनाकर खा जाएगा। उसके जैसा तेरा हाल है और फिर वो इंसान के रूप में शेर है। मेरे एक्शन को ये रिएक्शन करता है, लाइक सेम से। मेरे पास से इसे छीनने के लिए किसी को भी नया जन्म लेना पड़ेगा। ये गायत्री है। फिर ये कौन है? गायत्री की माँ, मेरा दोस्त और ये मैं हूँ। और वो जो तुम कोने में फोटो देख रही हो ना, वो मेरा है। दादाजी उधर तो कोई फोटो नहीं है। पापा, वो फोटो मैंने अलाजमेंट के लिए दिया था, स्टूडियो वाले ने खो डाला। कोई बात नहीं, दादाजी कपड़े बदल के आते हैं, आप सब जाओ। इधर आओ, अंदर आओ। ये गिटार उठा लो, पियानो उठा लो, सब उठा लो, कुछ नहीं छोड़े यहाँ, समझे? ये क्या हो रहा है? मेरा काम पूरा हो गया, समझे? कुछ मत बोलो। कुछ नहीं दीदी, घर में इतना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो बेकार पड़ा है और खराब हो रहा है। मेरी दुकान में जाएंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने में काम आएंगे, और क्या। लेकिन पापा को पसंद आएगा? क्या पसंद नहीं आएगा? मैं क्या तुम्हारे पापा का भाई नहीं हूँ क्या? ऐसा तुम मुझे अंकल नहीं बोलती हो? हाँ। ये तुम्हारा अंकल पी के राव जो करेगा तुम्हारा अच्छे के लिए करेगा। हाँ चाचा, मुझे मालूम है। अब ऐसी बात है ना बेटी, तो कॉलेज में जाओ। याहू, लड़का स्विमिंग करेगी तो कैसा रहेगा? सुपर। ये ब्लू टॉप वाली लड़की तो एकदम छकास लग रही है। स्विमिंग करते हुए तो मछली की तरह लहराएगी। बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? अगर हम इन लड़कियों का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट समझ के टच करें तो ये। क्यों रे, 4 लड़के मिलकर लड़कियों को छेड़ रहे हो? ए चुप रे। कुछ नहीं। ए तू चुप कर, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बात कर रहा हूँ ना।
मैंने सुना है चार लड़कियां मिलकर लड़कों की बात करते हैं। तू क्या डायरेक्ट रुलाने का काम कर रही है? रुलाया ना, चुप रहो। डोंट ओपन योर ब्लडी माउथ। मुंह खोलने वाली लड़कियां और पर्स खोलने वाले लड़के कभी चरित्र में अच्छे नहीं होते, ये मैंने किसी अच्छे किताब में पढ़ा है। अगर एक्सरे निकालो तो लड़का लड़की अलग नहीं होते। चलो लड़कियों क्लास में जाओ। रुक, अभी तुम्हारे भाई को मैंने चार मीनार के पास कस के गला पकड़ा था। गो गो, जाओ इधर से। लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, ब्रदर, आर यू हैप्पी? हाँ एकदम। वेरी गुड, बाय। ये सुखा जाता है। ये ला दे रे। ये ले, काट डाल। ये तो बहुत बड़ा है। ए, तेरी बॉडी का एक टुकड़ा काट। ए, तू चुप रह। बोल कहाँ से काट। ऑलरेडी भगवान ने 80% कट करके सब छोटा छोटा पार्ट करके दिया है, अब और क्या कट करेगा भैया। लेकिन तेरे हाथ कैसे कट गए? ये अच्छा। अरे भैया वो क्या है ना, ये कल धूम टू पिक्चर देखकर एक्साइट हो गया था। मैं बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ, सुमो गाड़ी के टायर के नीचे इसने खुद हाथ रख दिया। इंटायरली डिफरेंट। ये डॉल से वो डॉल बहुत सुंदर है। कौन है रही है? अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे ऐसे एक कस्टमर है। लेकिन ये लेग पीस तुम्हारे काम कैसे हो सकता है? लड़की दिखाता है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। भैया मैं तो कहता हूँ इसका संबंध जरूर है। अरे केले का पत्ता दिखाया तो डिटेक्शन करने का, तो तू सजेशन क्यों देने लगा? अरे इतनी सुंदर लड़की है, अब मैं जाता हूँ और उसका एक चुम्मा लेके आता हूँ। ऐसा मत करो, और ऐसा मुझे पसंद नहीं है। अबे ज्यादा बोलेगा तो मुंडी काट के रख दूंगा। नहीं मुझे कुछ मत करो, मुझे किस्मत करो। अच्छा अच्छा, पहले उसको पटा रही थी, अब मना कर रही है? नहीं मुझे किस्मत करो। क्या आइडिया दे रही है? सबके सामने बदनाम मत करो। रूम में अकेले जाएंगी। ये कौन है? ये मेरा पति। ये कौन है? मेरा पति। तेरा नाम? पप्पी। आय हाय। ओहो ओहो। ए, तेरी औरत को चुम रहा हूँ, तू हंस रहा है? तेरी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। चुप रह। अरे चुप रहो, तू मेरी बात सुन। जब तू मेरी औरत को चुम रहा था, ये सब लोग तुझे ही देख रहे थे, और मैं भी कई बार लाइन को आर पार किया। I will try my levels. Hey, कितनी बार बोला रुद्रा मेरे पास पैसा नहीं है? चिल्ला मत। ठीक है पैसा तो है लेकिन मैं दूंगा नहीं। कौन है? कौन है? लगता है कोई कस्टमर है। पियानो खरीदने आए हो? हाँ। अच्छी चीज है ये, अभी लेकर जाओगे? हाँ। मैं प्ले करके दिखाऊं? हाँ। अच्छा तो तुम खुद प्ले करोगे? हाँ। करो। गुड। क्या तुम प्ले नहीं कर रहे हो? प्ले करना नहीं आता है? कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम मालूम नहीं। मालूम नहीं, बहुत अच्छा नाम है, किसी वैरायटी जैसा। ऐसे तुम मेरे दोस्त हो। मेरा नाम वासुदेव है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसका नाम क्या है? पियानो। पियानो? हाँ पियानो। पियानो फी नहीं रे, फी नहीं है। पियानो। पियानो। हाँ पियानो। पियानो करेक्ट। पियानो स्टार्ट करेंगे। रुद्रा मेरा ऑफिस है ये, मर्यादा मर्यादा। मुझे सिखाएगा बेवकूफ? मर्यादा चिल्लाएगा तो मरेगा। ए रुद्रा। ए चिल्ला मत, चिल्ला मत, चिल्लाएगा तो मुंह नहीं रहेगा, और अगर मुंह रहा तो जबान नहीं रहेगी। काट डालूंगा तेरी जबान। शाम को आ रहा हूं, मेरे पैसे तैयार रखना। ए रुद्रा तू अगर यहां से जाएगा तभी तो आएगा ना। इट्स रॉन्ग। भैया बोल रहे? हाँ भैया।
भैया अभी तो इधर ही था, ढूंढ उसे। अरे कहाँ गया वो, जल्दी कर। गुरु, अरे गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है तू? गुरु चला गया, कहां ढूंढे उसे? ए गुरु कहां मर गया तू? इधर आ, आजा। तू किधर गया था रे? तूने मेरी शक्ल देखी है क्या? देखी है मेरी? तू है इसलिए मैं हिम्मत करके गया था वहां, लेकिन सबने मुझे इतना मारा कि मैं किधर गया था? जाने से बहुत तकलीफ होती है। चल, इंसानियत भी कोई चीज है। हमारा काम देख के सामने वाला आदमी से डरना चाहिए, तभी हमें हिम्मत आती है। कोई नहीं डरेगा तो हिम्मत का क्या फायदा? भैया, आपका दोस्त मिंटो आपसे मिलना चाहता है। ओहो यादव, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे काम करते वक्त डिस्टर्ब मत किया करो। उसे मेरे ऑफिस में बिठाओ, जाओ। तू अब तक जिंदा है? देखो रुद्रा, वो सब पुरानी बातें भूल जाओ। कैसे? तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, फिर यहाँ क्यों आए? दोनों मिलके एक ही रास्ते पर जाएंगे। और उस दिन जो तू छोटे बच्चे की ताकत की कदर कर रहा था, लेकिन अब नहीं, तुझे आज उसकी ताकत की कदर नहीं। तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, उसको छोटे छोटे कामों के लिए उपयोग मत करो। मैं समझा नहीं। लाखों लाखों कमा के 50-50 क्या बोलता है? हैदराबाद में ऐसे भी गेम होते हैं क्या? हर इंसान को किसी न किसी के पास सर झुकाना ही पड़ता है। हम तो सिर्फ मारने की सोचते हैं, मार नहीं सकते। देखने वाले लोगों के दिल में दर्द नहीं होता है, वो तो देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ पर कितने लोग आकर मारने मार खाने वाले को देखकर तालियां बजाते हैं। आगे चल, खड़ा क्यों है? काम सिट डाउन। इसका नाम गैरी लूगल है, पिछले 2 सालों से जीतता आ रहा है। इसके ऊपर अभी 25 लाख रुपया लगा है, आगे उसके ऊपर 50 लाख नेट लगाने वाला हूँ। हाँ, तुमको विस्की चाहिए? बीयर, विस्की डालने मैं आ जाऊंगा। हाँ मुन्ना, आ जा। भैया, अरे भाई, वो चैंपियन उसको मार डालेगा। मुझे मालूम। रुद्र, उस सांड को देखकर मुझे डर लग रहा है, इसको कुछ बुरा हो गया तो? इसको कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ फाइट में वही मरेगा। खत्म कर दो। These Indians cannot beat us. Cheers, cheers. Control your emotions. अरे वाह वाह, well done. 2 साल का चैंपियन 2 मिनट में फिनिश। तुमने अभी तक ग्लास में डाला नहीं? Oh. Amazing. Cheers. Cheers. Hey, कोई लिमिट नहीं है, जिसको जितना चाहिए ले लो। क्या है कि इतना ज्यादा? ये सब भैया का हिस्सा है, ये सब मेरा है। hey. मजाक जोक भैया। जोक क्या? चल बे, चल अब तेरी बारी, चल। हटा गया ना? अरे यादव, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? नहीं, चाओ ले लो।
अरे ले लो, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? हाँ नहीं चाहिए, मैं आपके पास ही रहता हूँ ना, पैसे की क्या जरूरत है? कल अगर आप पर कोई अटैक करेगा तो मेरी जान तो जाएगी ही, और मैं आपकी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। इसके लिए मुझे एक गन चाहिए। गन? हा? मैंने तो सोचा था, लेकिन तुम तो बहुत ही आगे की सोच रहे हो, वो भी बहुत ईमानदारी से। तुमको गन चाहिए ना? हा? मैं दिलाता हूँ तुम्हें, ठीक है? अब आजा। तू क्यों उदास बैठा मुन्ना? तुमने बताया नहीं तुझे क्या चाहिए? अरे बता तो दे। पियानो। पियानो क्या मतलब? सूट बूट का कोई फायदा नहीं है भैया, हम लोग फोन करते हैं तब स्कूटर के ऊपर डिब्बा रख के हेलमेट पहन के एक लड़का आता है अपनी गली के अंदर, पियानो हट। ए के, हाँ? ओ तो पिज़्ज़ा हट। अरे हाँ गुरु, जो तुमने पूछा वो एक बार बोलो ना। पियानो। फॉरेन फॉरेन बिस्की। फॉरेन बिस्की, हाँ वही बोला ना। पॉम 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 पॉम। अरे भैया लगता है बहुत सुधर गया। ए इडियट। क्या बोले? पियानो मतलब खाने पीने की चीज नहीं। हा? वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिक? कच्चा मटन चिकन खाने वाला पियानो बजाएगा क्या? ऐसा पियानो? ओके सगाई है। होने वाले पतिदेव से डरना नहीं, अच्छे से तैयार होके जाना। बाय बाय। ताम ताम तकरदाम तकरदाम बूम तक बूम तक। ताम ताम तकरदाम तकरदाम बूम तक बूम तक। ताम ताम तकरदाम तकरदाम ताम। क्या अभी तक तुम लोग गई नहीं? जाओ जाओ जाओ, लड़का उधर तुम्हारी राह देख रहा है। और तो बस बूम दुदुम दुदुम दम दा। हाँ ए क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। एक पियानो पैक कर दो इस बैग में। क्या? इस बैग में एक पियानो पैक कर दो। पियानो इस बैग में नहीं आएगा। हाँ बैग पियानो में आ सकता है। फिर ये बैग को पियानो में रख दो और तुम्हारे बैग में पियानो डाल दो। इज्जत का कचरा मत करो, पियानो मतलब वो है। पियानो का मतलब वो है क्या? तुम अपना मुंह जरा बंद रखो। ओ या पियानो पियानो कंफ्यूजन पियानो। हाँ अब पियानो के नाम पे थोड़ी कंफ्यूजन थी। हाँ वो सामने जो पड़ा वो पैक कर दो। वो ड्रम बॉक्स है। अच्छा वो ट्रम्पेट है क्या? स्टूपिड, ये लड़की जो बोलती वो ठीक है। फ्रेंड है मालूम नहीं, दोस्त हो ना, तू कैसा है? क्या तुम पियानो खरीदने आए हो? उस दिन तुम अचानक क्यों चले गए थे? कोई अर्जेंट काम था? पियानो बजाओगे क्या? गायत्री आज कुछ खास है क्या? कल कृष्णाष्टमी। कृष्णाष्टमी का मतलब तुम लोगों में जैसे हमारे भगवान का जन्मदिन है। ये बात है। गायत्री प्रसाद पापा के नाम से चढ़ाना है? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड स्टेला के नाम से, इसकी शादी तय हुई है इसलिए इसके नाम से प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है ठीक। लो बेटी, तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें खुद राजकुमार जैसा पति लेने आएगा। मेरी दीदी को राजकुमार नहीं, खुद कृष्णा लेने आएगा। क्यों? इसके लिए बांसुरी वाला कृष्ण नहीं, पियानो वाला कृष्ण आएगा। ओके ना? बंसी वाला नहीं, पियानो बजाने वाला कृष्ण होगा तो चलेगा। हम सब यहाँ पर खुश हैं, वो क्यों उदास लग रहा है? वो तो हमेशा ही दुखी रहता है, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं। तुम्हारी जैसी लड़की को इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक को चुन लो। दिस वन। ये वाला? ये तो बहुत छोटा है। जब तुम मेरे पास होती हो तो मेरा दिमाग नहीं चलता। इधर आ इधर आ। आज तो तुम बड़ी सेक्सी लग रही हो। मूड खराब हो गया, अब तुम जाओ। बाय बाय। ए यादव इधर आओ। हाँ बोले भाई। तुझे गन चाहिए था ना? हाँ चाहिए था भाई। ये ले एकदम नई गन है, चल मुझे शूट करके दिखा। तेरी की निशाना चूक गया तेरा। नई गन है ना भैया? अरे जो काम दो उस पर ध्यान दिया करो। आप ही ने तो कहा था सही निशाना लगाना।
अरे देखो देखो भैया को अटैक आ गया, जल्दी जाके उनकी जान बचाओ, जल्दी जल्दी। पंडित जी क्या कहते हो, कोई राजकुमार सचमुच आएगा क्या? और वो जब आएगा तब ना, पहले प्यार होगा फिर शादी। राजकुमार आएगा तो उसे धक्का दे देंगे, फिर दीदी उसे शादी नहीं करेगी, प्यार नहीं करेगी। बस 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 शर्मा कर अपने घर चली जाएगी। माँ बाबा तो घर पर रहेंगे, तुम इधर मत जाना। कौन है? बोलो भाई कौन हो तुम, बोलो। अच्छा गायत्री, बाय। हाँ दीदी बोलो ना। हाँ वो कौन है आदमी? नहीं, हाँ बोलो ना दीदी। वो देखो वो बाहर आ गया। पापा पापा क्या हुआ बेटी? एक अजनबी को आप घर क्यों लेकर आए हैं पापा? अगर ये गलत निकला तो? ये गलत आदमी नहीं है, ये घायल होकर मेरी दुकान में आया। ऐसी बात नहीं है पापा, इसकी जान बचाने के लिए मैं इसे यहाँ ले आया। लेकिन वो कौन है, कैसा इंसान है? वो अच्छा इंसान है, उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है। मुझे मालूम है संगीत का जो प्रेमी है वो कभी भी गलत आदमी नहीं हो सकता। बैठो मैं अभी आता हूँ। दीदी मुझे उसे देखना है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैं उसे बाहर लेकर आती हूँ। तुम उसे देख के डरो मत। ये मेरा दोस्त है। तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, कल मैं घर के बाहर बैठा था तो वहां एक गिलहरी आई थी, उसने मेरी पप्पी ले ली और मैं चौंक गया। तब वो मुझसे बोली, मुझसे डरो मत, मैं अच्छे लोगों के पास ही जाती हूँ और उन्हें प्यार से पप्पी करती हूँ, और उसने मुझे पप्पी दी। अभी गिलहरी मेरे दोस्त के पास जाकर उसे पप्पी देगी। तो इस बात से तुम्हारी समझ में क्या आया बच्चों? तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है। देखो बेटी गायत्री, बच्चों का डर निकल गया, अब तुम उससे दोस्ती नहीं करोगी तो वो कैसे बोलेगा? हाय, ये पियानो नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो, मैं पियानो बजाती हूँ, बच्चों को पियानो सिखाती हूँ। पियानो? मेरा नाम गायत्री है, तुम्हारा नाम क्या है? नाम यही सवाल मैंने पहली बार पूछा था तो इसने यही जवाब दिया था, नहीं मालूम नहीं मालूम। हमारे इस आदमी को किसी भी नाम से पुकारो खड़ा हो जाता है, क्या इसका कोई नाम नहीं है? अंकल का नाम राजकुमार रखेंगे। राजकुमार के बाल ऐसे होते हैं क्या? ए ही मैन, शक्तिमान, ए शट अप, राइट। तुम चुप बैठो रे गायत्री। हाँ तुम बोलो ना। गुरु? हाँ गुरु, बहुत अच्छा अच्छा नाम है। ए आज से तुम्हारा नाम गुरु। गुरु 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 सुन लिया, आज से हम सब दोस्त हैं। आओ आओ आओ। मेरा नाम कृष्णा। शिवा। माय नेम इज श्रीनाथ। माय नेम इज अमिताभ बच्चन, बिग बी। मेरा नाम है सर शांति है, हमारा घर पास में ही है, मुझे भेल बहुत पसंद है। ओ ए जब देखो गाना गाते रहते, चल जाओ यहाँ से। चलो। हाय मिस्टर गुरु, आई एम पी के कुमार, आ जा चल खाना खाते है ना। ये क्या है? ये क्या है, पहले चावल नहीं देखा क्या? पहले क्या घास खाता था? उसे पता नहीं होगा ना, जाने दो। गुरु केला खा लो। अरे रे रे रे, दादाजी वो ऐसे ही केला खा रहा है। गुरु केला ऐसे नहीं खाते हैं, ऐसे खाते हैं। दादाजी क्या? हे भगवान, दादाजी आप केला समझकर टॉवेल खा रहे हैं। तेरे हाथ में क्या मंगलसूत्र बांधा है क्या? इसके गांव में केला छिलके के साथ खाते होंगे, इसलिए ये भी वैसे ही खाता है।
अरे मंगलसूत्र तो औरत के गले में होता है। ओह माय गॉड, कितनी समझदार हो गई है तुम। अब क्या करेंगे? निकाल देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा। ये मुझे दे दो, मैं इसे पहनूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? गुरु ने अमिताभ को मारा। क्यों मारा? उसके हाथ में तावीज था, मैंने उसे छुआ तो उसने मुझे मारा। ऐसा है, जाओ तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। नहीं बाबा, मैं कह रही हूँ ना, जाओ बैठ जाओ। गुरु सर को, सर को ना ये मंगलसूत्र। ठीक है ठीक है, तुम अपने पास रखो, आइंदा से ऐसा मत करना। अगर गुरु को पसंद नहीं है तो उसे मत छूना। सॉरी दीदी। क्या सॉरी? मुझसे गलती हो गई इसलिए सॉरी। गुड सॉरी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तुम वेरी गुड। तुम वेरी गुड। ओके मैं भी वेरी गुड। ओके तुम भी वेरी। शिवा रिजल्ट दिखाओ, इतिहास में जीरो। दीदी ये किसी काम का नहीं है। अगर तुम बहुत काम के हो तो पांच जंगली जानवर के नाम बताओ। हाँ? बताओ। तीन शेर दो चीता। चार शेर और एक चीता नहीं, ऐसा भी बोल सकते क्योंकि वो भी जंगल के जानवर है ना। तुम्हें बोल के कोई फायदा नहीं, सब मुझसे ही पूछ रही हो, कुछ इससे पूछो। गुरु जो पानी में और जमीन पर रहता हो ऐसे एक जानवर का नाम बताओ। मगरमच्छ। मगरमच्छ। दीदी दीदी श्रीनाथ ने इसे बताया तभी ये बोला। गुरु एक और नाम बताओ। दूसरा मगरमच्छ। बहुत अच्छा बोला रे दीदी, इसे कुछ भी नहीं मालूम। हे भगवान, सबको खुश रखना, किसी को कोई दुख मत देना, सब लोग खुश रहने चाहिए। भगवान मुझे भी खुश रखो, अच्छे अच्छे कस्टमर भेज दो। गुड मॉर्निंग सर, अगरबत्ती धूप चंदन सब कुछ लेना है, ये लीजिए। पैसा बाद में देता हूँ मैं आपको। नहीं रख लीजिए। वाह कितना अच्छा कस्टमर भेजा। बाय सर। बाय। नोट उल्टा मत करो, ऐसे बोला था ना पागल लड़का, मूर्ख लड़का, चोर का लड़का तेरे बाप को। तो अरे
ये मुझे गालियां क्यों दे रहा था? मैंने इसके साथ क्या गलत किया? सुबह सुबह इसने इस नोट पर गालियां लिखकर मुझे दिया। अरे भगवान, अच्छे अच्छे कस्टमर भेजने को कहा था ना। हेलो गायत्री। हाय अंकल। हाय अंकल। ये आदमी कौन है? हमारा दोस्त है, इसका नाम गुरु है। गुरु, अगर किसी चीज की जानकारी चाहिए तो अंकल से पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक से जानकारी दूंगा। अंकल इसे जो भी चाहिए आप दे दीजिएगा। ठीक है, मैं देख। चलो चलो। अंकल 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 बेटा रुको ना। अंकल 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 ओके 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 ओके, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुम्हारे मन में कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी को कुछ समझाना मुझे अच्छा लगता है। ये क्या है? ये भी नहीं मालूम, इसे डिटेल में समझाना पड़ेगा। देखो बाबू, ये फेस पाउडर है, इसे हाथ में लगाकर ऐसे ऐसे रगड़ कर चेहरे पर लगाने से तुम खूबसूरत दिखोगे। ये क्या है? ये काजल है। इस डिब्बी को ऐसे खोलकर ऐसे उंगली घुमाकर ऐसे उंगली से आंखों में लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, इससे आंखें ठंडी हो जाती है, इससे आदमी सुंदर भी दिखता है। और एक बात, किसी सुंदर को नजर न लगे इसलिए इसका गाल में टीका भी लगाते हैं। ओके ओके, कोई और डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये क्या है? इसे नहीं, यही रख दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, लेडीज के काम का है, तुम कुछ और ले लो। ये देखो इसे। ये क्या है? क्या आदमी है यार, ये यहाँ अगरबत्ती रखी है ना, ये ऊपर सामान रखा है ना, ये इधर रखा है ना, पूरे दुकान में कितनी सामान रखी हुई है उनके बारे में पूछो, इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? भागो भागो। सर मुझे बचाओ सर, मुझे बचा रहे। सर प्लीज सर, प्लीज सर बचा लो। भैया के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा, काट डालूंगा। प्लीज सर बचा लो सर। ए चलाक रे, ए सुना नहीं क्या? ए हट, ए समझ। ए बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अगर आज आप नहीं होते तो वो मुझे मार डालते। सर ये ये सर ये ब्रश है, ये पेस्ट है, ये साबुन है सर, बदन में लगाते हैं सर। ये क्या गाना गा रहे हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से। जा रहे हैं। क्या पापा? जो होना था हो गया ना। मतलब इसने जो किया सही है क्या? अगर उसने गलती की है तो उसे प्यार से समझाओ ना, डांटने से कुछ नहीं होता, जब उसे दर्द हुआ तब उसने उसे मारा। ये क्या? बचाओ, अरे ये कोई बचाओ, अरे मेरी बीवी को बचाओ, अरे आग लग गई, अरे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ, अरे आग बुझाओ, अरे कोई तो बचाओ मेरी बीवी को, मेरी बीवी अंदर है, बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। इस तरह यहाँ वहाँ घूमने से क्या होगा, हम सब मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अरे दरवाजा तोड़ दो, अरे कोई तो बचाओ, अरे मेरी बीवी अंदर है, मेरी बीवी अंदर है। लड़की दुखी है, इसको बच्चा नहीं होता इसलिए वो दुखी है। दुखी है? लड़की दुखी है ना, उसने आग क्यों लगाई? मैंने कहा ना उसे बच्चा नहीं होता इसलिए वो दुखी है। बच्चा नहीं होता तो आग लगा लेते हैं? हाँ, शादीशुदा औरत की जिंदगी माँ बने बगैर अधूरी है। अगर किसी औरत को पता चले कि वो माँ नहीं बन सकती तो उसे बहुत दुख होता है। इसी दुख की वजह से वो आत्महत्या कर रही थी। बेचारी करती भी क्या, आज तुमने जिसे सुपरमार्केट में मारा उसे भी तो दर्द हुआ होगा। जान लेना आसान है, जान देना मुश्किल। समझ में नहीं आया। अच्छे समय देख के तूने उसे अच्छे सिखाने की कोशिश की है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी टीचर के लक्षण क्या हैं, स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आना चाहिए, इस तरह समझा के क्या फायदा। गुरु तू खाना खा के सो जा। गुरु वो क्या है? गुड़िया। उस गुड़िया को तुम तोड़ सकते हो? लो तोड़ दी। वेरी गुड, अब उसे पहले की तरह वापस जोड़कर वहां पर रख दो। चलो। क्या देख रहे हो, नहीं जुड़ेगी ना, यही तो समझाना था।
किसी चीज को तोड़ना आसान है लेकिन उसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल। किसी इंसान की जान लेना आसान है लेकिन किसी के लिए जान देना बहुत ही मुश्किल है। गुरु, हमें किसी की जान लेने का हक नहीं, समझ गए ना? जाओ अब जाके सो जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझाया बेटी। हमारे गुरु के लिए कुछ काम ढूंढ लेना। हमारी कॉलेज में म्यूजिक स्टोर में कुछ काम निकलने वाला है। अपनी प्रिंसिपल से बात करके करती हूं। इसमें क्या है, अपने साथ लेकर जाओ। कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं प्रसाद चढ़ा के आती हूँ गुरु। अब अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो मुझे मारेगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप यहाँ? ये क्या है? मुंह है। अभी क्या बोल रहे थे? गायत्री मंत्र बोल रहा था। गायत्री मंत्र, ये पढ़ने में मुझे खुशी होती है। सच में? इस उम्र में भला कोई झूठ बोलता है? मुझे भी सिखाओ। तुम्हें सिखाने में तो मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। अगर मैं ना बोलूंगा तो ये मुझे मारेगा मेरी बीबी के सामने। अरे बापरे, इसे तो सिखाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिखाओ ना। सिखाता हूँ, इधर आओ। इधर मुँह करो। इधर मुंह करने बोला था, उधर सिखा रहा हूँ, इधर मुंह तो करो। ओम भूर भोर स्वाह तत्सवितुर्वरेण्यं। देखो, ये पूरी तरह सीखने तक कोई दूसरा सवाल मत पूछना मुझसे। ए भगवान, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ओम भोर भुवः स्वाहा। हाँ, क्या हुआ? आप फिर कभी ऐसा मत बोलना, ये तो मैं ही बोलूंगा। अरे क्या दिया? इसको ब्रेड और जैम के बारे में पता नहीं, केला और उसके छिलके के बारे में पता नहीं, लेकिन लड़की पटाना पूरा मालूम है। अरे वाह बेटे वाह, बिल्ली पैदा होते ही दूध पीती है। सर, इसका नाम गुरु है, मैंने आपसे बात की थी ना, वही। पियोन सर, इसे स्टोर रूम दिखाओ। ठीक है सर। गायत्री, मैंने आय स्पेशलिस्ट के बारे में बोला था ना, दूसरे हफ्ते में वो अमेरिका से आ रहे हैं, तुरंत उनसे अपॉइंटमेंट लेके तुम्हारे पापा को दिखाएंगे। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। नमस्ते। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो। बख्शीश। ये क्या है भैया? जब हम आ रहे थे तो लोगों ने हमें हफ्ता दिया है। मुझे तो लगा आपका गेटअप देख के आपको भीख दिया। हाय गुरु भैया। आप तो यहाँ के राजा है ना? ये मेरा फ्रेंड गुरु। गुरु? गुरु मतलब इस राजा का गुरु? राजगुरु मतलब? राजाओं के गुरु। इधर इधर। राजा मतलब? मंत्री के ऊपर होता है ना। मंत्री मतलब? सैनिक के जो ऊपर होता है ना। सैनिक मतलब? छोटे छोटे लोगों के जो ऊपर होता है ना। छोटे छोटे लोगों के ऊपर लोग रहते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता? नहीं होता। पहले मंत्री, उसके ऊपर राजा। मंत्री मतलब? राजा के नीचे जो रहता है ना। राजा के नीचे मंत्री क्यों रहता है? तू क्या खींच के, सबसे बड़ा जो होता है मैं वही राजा हूँ। राजा मतलब? मैं हूँ रे। राजा कौन? ए, ये 545 वाली मैं इधर गिर गया। और क्या रे, तू क्यों हंस रही है रे? मैं तुम्हारा जीजा होके मेरा मान सम्मान नहीं करती, मेरा अपमान करती है और मेरे बारे में जरा भी पूछती नहीं। अब तो राजा के बारे में समझ गए। ओ, तू राजा? राजा, अच्छा हुआ इसके समझ में आ गया, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? हाय गुरु। हाय, मैं सुबह से सुन रही हूँ, ये ओम भूरपुर क्या है? ठीक है, तुम अंदर जाओ। और तुम? मैं कॉलेज में, क्लास है ना। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम यहीं रुको। मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। मैं चलूंगा। गुरु जाओ, पियोनी ने लेकर जाओ। ठीक है मैडम, जाओ। तू आ रहे? मैं नहीं आऊंगा। चलो चलो। इसके बारे में कुछ जानती नहीं हो, इसे अपने घर में क्यों रखा? मतलब उसे घर छोड़ना था तो कॉलेज में ले आई। वो तुझसे प्यार करता है? प्यार? उसे तो कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हें तो मालूम है ना। यह है इसका इंचार्ज। अपने लिमिट में रहकर बात करो। उंगली नीचे कर, नहीं तो ऐसा घुमाऊंगा। जाने दो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारे साथ पढ़ती है यार। हमारे साथ पढ़ती है और तुम्हारे साथ घूमती है? ये मार खाएगा, चल जा। गलती हुई बाप, तू जा। चलो गायत्री, जा चलो। चल बाय। अरे यार, तूने उसे जाने क्यों दिया? ऐसी बात नहीं है, आगे देख। छोड़ूंगा नहीं। महेश, तुम जाओ म्यूजिक रूम में जाकर छुप जाओ, जाओ ना। अगर तू मेरा बेटा है तो जिसने तुझे मारा उसका सर काट कर मेरे पैर में लाके डाल। हाँ। नहीं तो
मैं तेरा सर काट के गेट पे लटका दूंगा। ढूंढो उसे, ढूंढो। जब राजा सड़क पर जा रहा है तब तुम लोग यहाँ वहाँ गाड़ी खड़ी करके क्या कर रहे हो? तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं राजा रामपुर का चंपा नगर में आया था रामकली को ढूंढने, पर वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई दूसरे राजा के पास। बेवकूफ निजाम नवाब हमारे बीच कबाब बन कर आ गया। पर तुम लोग कौन हो? MLA। पर मैं तो CM को जानता हूँ। अरे भैया, लेकिन CM कौन होता है? हट रे। काला चश्मा पहन के खुद को MLA कहता है, मुझको उल्लू समझता है। तू भी उल्लू, मैं भी उल्लू, हम दोनों उल्लू। चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, क्या पियेंगे? जा जाके समोसा लेके आ। ये दो समोसा लेके आ रहे, जल्दी तलवार लेके जा। ओके साहब, लेके जाता हूँ। पापा वो देखो वहाँ खड़ा है, पकड़ो उसको। कहाँ भाग रहा है? कौन है ये? वही रुद्रा का जानवर है। क्या बात कर रहा है? ए भाई, तूने मुझे पहचाना नहीं? तूने मेरे आदमियों को मारा था, और यही है क्या? इसी ने मारा तुझे? मारा तो कोई बात नहीं। गायत्री, MLA गुरु को भला कैसे जानता है? अरे भाई, तूने इसे मारा तो कोई बात नहीं, मारा तो अच्छा किया, ये बहुत बदमाशी करने लगा, बहुत निकल गया। अरे बहुत अच्छा किया तूने मार के, और मारना चाहिए इसे, तो और मारना चाहिए, चाहे जितना भी मारो तुम। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। आज इसको क्या हो गया? आज तो ये रिवर्स में जा रहा है। गायत्री, ओम भूर्भुवस्वः, ओम भूर्भुवः। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मैं बाद में बोलता हूँ। देखो, बातें तो बच्चों जैसी करता है, इसे एनाकोंडा समझकर सब लोग डर गए। पहले मालूम करते हैं ये कौन है। गुरु। अरे भाई, ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये तो तुम्हें पहचानने के लिए रखा गया है। अच्छा देखो, तुम्हें कोई पहचान सकता है? बोलो बोलो बोलो। गायत्री, वासुदेव, PK, ये सब। अरे इनको छोड़ के PK के अलावा तुमको कोई और पहचानने वाला है क्या? बोलो। प्रिंसिपल स्टेला, प्यून। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? ये तो कॉलेज के लोग हैं। गुरु, तुम्हें और कोई पहचानने वाला है क्या? एक बात बताओ, तुम्हारे कोई माँ बाप है क्या? मतलब? अरे मुझे क्यों बोल? तू भी? मैंने थोड़ी बोला। मतलब तुम्हें कोई चाहने वाला है क्या? कौन है? गायत्री, वासुदेव, पी। अरे फिर मुझे क्यों मार रहे हो? ये लोग नहीं, समझा? ये दूसरा गैंग है, इसे कोई और पहचानता है तो बोलो। हाँ, प्रिंसिपल स्टेला। मुझे क्या मालूम? गुरु बोलो, मुझे बचाओ। आप पूछो ना। पूछता हूँ, ये सारी बातें प्यार से पूछनी चाहिए। गुरु, हाँ। उस दिन शॉप में पियानो ले जाने आया था ना, हाँ। तब तुम्हारे साथ कोई और भी था? वो क्या कोई तुम्हारा रिश्तेदार था क्या? AK-47। क्या? AK-47? इतना सा पियानो ले जाने के लिए तू AK-47 लेके आया था क्या? तू अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझता है? अंकल रुकिए ना। गुरु, AK-47 किसी आदमी का नाम है क्या? रुद्रा का आदमी। ये रुद्रा कौन है? मेरा मामा। देखो, इसका एक मामा भी है। नहीं। अरे अभी तो तू हाँ बोला कि तेरा एक मामा है। अरे काट, तेरे कितनी बार बोला बीच में मत बोल। मैं कहा बोला बीच में? मेरे पूछने के टाइम तेरा मामा किधर चला जाता है रे? उस टाइम मामा था, अभी नहीं है। रुकिए अंकल, इसे नहीं मालूम है, पूछकर परेशान मत करिए, चलो गुरु। अरे नहीं बेटी, ये कौन है हमें मालूम तो होना चाहिए। नहीं जानना है, आज से गुरु को चाहने वाली और पहचानने वाली मैं हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है पापा, आप मुझे नहीं लाते तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। अरे बेटा, उसके हाथ में जो मंगलसूत्र बंधा था वो देखा? अगर वो मंगलसूत्र खोल देगा तो तेरी माँ की मंगलसूत्र का गांठ खुल जाएगा। एक काम बोलता हूँ, वो कर। क्या करना है बोलिए, मैं करूँगा। तेरी माँ ने तेरे लिए दाल चावल बनाया है, जाके खा के कार्टून देख जा। अरे कार्टून देखने के लिए बोल रहे हैं आप? आ जाओ बाबू, दाल चावल में घी। कैसी बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। कार्टून देखना। चुपचाप मेरी बात सुनो, मैं हूँ, हम लोगों को जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, चलो। आओ जल्दी आओ। चुप रहो, क्यों तुम चिल्लाओ मत। हाँ हाँ, ठीक है। आप ठीक है? अरे पकड़ो, ठीक से पकड़ो। हाँ, चिल्लाओ मत, मैं आ रही हूँ। अरे अरे चिल्ला रहा हूँ मैं, कहाँ चिल्ला रहा हूँ। पकड़ो नीचे से, पकड़ो ठीक से। आ रही हूँ। लेकिन अंकल, पानी भर लो जी। तुम खुश हो ना? मैं खुश नहीं हूँ। अरे सुनो, पकड़। ठीक है, जाओ तुम जाओ। बेल होती है बजाने के लिए, दरवाजा होता है खोलने के लिए। ये सब भूल कर तू अंदर कैसे डायरेक्ट आ गया? शॉप में जाना है। शॉप में जाना है?
तो जाओ ना, ये घर है, शॉप में जाना है। लेकिन मैं इधर हूँ ना, तुम मेरे साथ चलो। कल जाऊंगा ना, अभी मेरे साथ चलो। क्या यार, तू किसी भी टाइम में आने को कहेगा तो मैं कैसे आऊंगा? अभी चलो। गुस्सा हो गया। तुम गुस्से में कितने सुंदर दिखते हो यार। अरे मुझे कपड़े पहनने की परमिशन तो दोगे ना? मुझे कमीज भी नहीं पहनने दिया और यहाँ ले आए। वही अच्छा है, मोटर रिपेयर करने के लिए लेकर आया, वही नहाने के टाइम आता तो। चलो बच्चों, फास्ट फास्ट चलो। गुरु काम हो गया, आ जा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या देख रही हो दीदी, केक तो काटो। न्यूज़ पक्की है भैया, कोई भी जिंदा नहीं है, सब लोग मर गए क्या? अरे मैंने उसे देखा ही नहीं, उसके साथ बात भी की है। झूठ ही है भैया। बोला ना, उसके साथ बात की, उसको देखा। सब लोग मर गए, सच में मर गए। क्या? सच बोल रहा हूँ अन्ना। ओके मेरी बात सुनो, जब किसी पर शक हो तो छोटी छोटी बात पर भी दिल नहीं मानता, समझा क्या? सॉरी सत्या जी। वो आदमी जहां भी हो उसे ढूंढ कर मार दो। गुरु ये सब क्या है? मैंने इतनी मुश्किल से प्रिंसिपल से बात करके तुम्हें जॉब दिलवाया और तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हो। सुनो बेटी, मैंने उसे मना किया था। लेकिन क्यों क्यों पापा? ऐसा नहीं बेटी, उस दिन कॉलेज में एमएलए ने गुरु को घूमते हुए देख लिया था। फिर भी गुरु कॉलेज में जाएगा और उसके बाद फिर कुछ झगड़ा हो गया, तो इसीलिए पीके से कह के गुरु के लिए अच्छा काम ढूंढ के रखा है। कौन सा काम? वैसे भी तुम में दिमाग है नहीं, इस काम में दिमाग की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ताकत की जरूरत है जो तुम में है। ओके ओके, पूरी ताकत से इस पत्थर को तोड़ना। okay. और जैसे जैसे तू पत्थर तोड़ेगा तुझे बदले में पैसे भी मिलेंगे। अब मैं चलूं? फिर ठीक है करके बोला, इस मूर्ख को इसके आगे भूलना नहीं आता, पता नहीं ये कब आगे भूलेगा और मैं कब सुनूंगा। ओम भूर भव स्वः तस्तवितर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ए सर सर बोल, तू सीआईडी ऑफिसर तो नहीं है ना? यहाँ केस इन्वेस्टिगेशन करने आया है ना? मतलब अफगानिस्तान कजानिस्तान टेररिस्ट है ना तू, बम रखने आया ना यहाँ? मतलब पूछ रहा है मुझसे? मेरे सामने नाटक मत कर, हिंदी तो समझ में आती नहीं और संस्कृत में श्लोक बोल रहा है, ये क्या है? गायत्री मंत्र। ओ गायत्री मंत्र है, हिंदी तो आती नहीं और मंत्र बोलना कैसे आया बता? इससे गायत्री खुश होगी। गायत्री खुश होगी? ओ ये कहानी क्या है? तुम इससे प्यार करते हो? लव मतलब? प्यार मतलब? अरे 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 अरे, प्यार का मतलब तुझे मालूम नहीं? तू इतना भी नहीं जानता, जिंदगी में कैसे प्यार करेगा यार तू? प्यार का मतलब क्या है? प्यार एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है रे, प्यार का मतलब दुनिया में बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तुझे भी नहीं मालूम है यार। बताओ ना प्यार का मतलब क्या है? तू ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ओके ओके, मेरा नाम पीके है। ओके ओके, बार बार बोलेगा तो दो मारूंगा। सुन, लेट अस स्टार्ट अबाउट लव। मैं तुझे प्यार के बारे में बताता हूँ। गायत्री को अगर कुछ हो जाए तो तुम्हें बुरा लगता है ना? हाँ। उसी को प्यार कहते हैं। गायत्री कॉलेज से कब आएगी उसका इंतजार करते रहते हो ना? हाँ वही तो प्यार है। प्यार वो क्या होता है उसे नहीं मालूम? नहीं जानता वो, धोखा नफरत ये सब भी उसे नहीं मालूम, वो तो बस मेरे कहने पर ही चलता है और मुझे भी हमेशा उसकी याद आती रहती है, उसके साथ रहना चाहती हूँ। वही वही प्यार है। कोई भी औरत मर्द की बातों की इज्जत करती है, लेकिन यहाँ वो मेरी बहुत इज्जत करता है। यस, यही 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 प्यार है। किसी के लिए कोई अपनी जान खतरे में नहीं डालता, लेकिन कल अगर मेरी जान खतरे में हो तो सोचो वो क्या करेगा। यस, यही प्यार है। और अगर मैं गुरु से प्यार करती हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? क्या पता वो भी मुझसे प्यार करता हो, क्या लगता है? That's love. मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ स्टेला। प्यार करती और उसे बताना नहीं चाहती, वही तो प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? उससे इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे ये भी नहीं मालूम कि प्यार क्या होता है, शादी क्या होती है, मुझे उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें जो जो बताया सब समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ।
ये सब जल्दी से सीख जाओ, सब समझ गए ना? काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, आई लव यू बोलूंगा। और गिफ्ट किधर गया? काम करूंगा, काम करूंगा, पैसे लूंगा, गिफ्ट दूंगा, आई लव यू बोलूंगा। आई लव यू नहीं, प्यार से, प्यार से रोमांटिक मूड में बोलना। बोल के बताओ तो। आई लव यू। ये आई लव यू ठीक नहीं है, पहले बोला था वही ठीक था। ओके। फिर से ओके बोला। ऐसी प्रॉब्लम किसी लड़की को नहीं आई होगी और ना आएगी। फिर लेट क्यों कर रही हो, आज ही बोल दो ना। इसमें से ये निकाल दिया और ये निकाला, तो 1 2 3 और 1 2 3 आप क्या क्या करना। ए बाबू, ऐसे पैसे गिनते रहोगे तो सुबह हो जाएगी। अभी यहाँ से जाओ, बराबर दिए है। ओके। हाँ, लेफ्ट वाला रख देख लो। अरे बाप रे, ये फिर आ गया। इस बार पता नहीं क्या पूछेगा। अरे भगवान बचाना मुझे, मैं तुझे 1,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मुझे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पियानो। ये चाहिए। ये बड़ी अच्छी सिलेक्शन है, ले लो ले लो। प्यार। ओह, उपमा खा क्या है क्या? वो प्यार नहीं है बेटा, उपमा। उपमा पेट भरने के लिए, प्यार यहाँ रखने के लिए। ये लो, रख लो। अरे ये चेंज कैसे हो गया? काम हो गया, पैसा भी मिल गया, गिफ्ट भी ले लिया, अब आई लव यू बोलना बाकी है। अच्छा काम करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। अरे भगवान। अरे मुन्ना, तू जिंदा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे मेरा बेटा जिंदा है। अरे पतला हो गया फिर भी अच्छा दिख रहा है। अरे बाल कटवा दिए। अरे घर निकाल जाएंगे। हम लोगों को बहुत रुपया कमाना है, क्यों नहीं? ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तेरा मामा। घर निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर, चल आजा, गाड़ी में बैठ जा। आजा बेटा, आना बैठना। जब देखो तब मुझे नहीं मालूम, अब मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा क्या किया तुमने? कब तुमसे प्यार करने लगी मुझे नहीं मालूम। पहली बार रोड पर देखा था तब, या मेरी शॉप में आए थे तब, मेरे घर पर आए थे तब, या उस लड़की की जान बचाई थी तब। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तब माँ को पता चलता है, लेकिन कब बच्चा ठहरता है ये माँ को पता नहीं चलता। प्यार भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं क्या बोलूँ, ये प्यार कब पैदा हुआ मुझे क्या मालूम। I love you, 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 I love you too, समझी? गायत्री। गुरु, दरअसल मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। नहीं नहीं, हाँ सोच रही थी। मतलब मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुमसे कुछ कहना है। पता नहीं तुम समझोगी या नहीं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है बेटी, वो भी अभी तुम्हारे जैसे प्यार में गले तक डूब गया है। वो भूर भूर करके बोलता रहता है, वो क्या है मालूम है? गायत्री मंत्र। उसे किसी ने बताया कि गायत्री मंत्र बोलने से गायत्री खुश हो जाएगी। उसे हिंदी अच्छी नहीं आती, लेकिन तुझे खुश रखने के लिए उसने ये सीखा है। उसे दुनिया में कोई चीज मालूम नहीं बेटी, उसे सिर्फ एक ही चीज मालूम है और वो है गायत्री मंत्र। अरे खा ले बेटा, खाना खा ले। भैया इतने दिन हो गए इसलिए खाना भूल गया ये? नहीं 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 नहीं, है ऐसा नहीं हो सकता। इतने दिन हमसे अलग रहा ना, उसी का शौक लगा इसे। अरे भैया भैया, अरे क्या हुआ भैया? अरे अरे ये खून कैसा? बम, अरे बम, अरे अरे जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी, चलो नीचे, चलो नीचे, चलो आराम से, चलो। ये मामा जिंदा है तो सब तुम्हारे लिए। रोज सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अगर दिखाई नहीं दे तो किस रास्कल का टेंशन नहीं होगी ना। खा ले। मैं कच्चा चिकन नहीं खा सकता भैया, अभी कोई फायदा नहीं, अब ये एकदम बदल चुका है। मुझे जाना है, मुझे जाना है। जाना है? कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा?
इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा और कोई भी नहीं। हाँ वो तो चला गया। कब गया वो? काफी टाइम हो गया। क्या वो घर पर नहीं पहुँचा? मुझे जाना है भैया। इसने यहाँ से जाने का इरादा कर लिया। लेकिन मैंने पक्का नहीं किया। मुझे जाना है। तो इधर ही रहेगा? जाना है। मैंने एक बार कहा यहाँ रहना है तो रहना है। मुझे जाना है। जाने के लिए छोड़ दो, इसीलिए तुझे बचपन से पाला है मैंने। जाना है। जाना है। जा, जब तू जाने का फैसला कर दिया तो तुझे रोकने वाला कौन है? जा, यहाँ कभी मत आना और कभी नहीं जाना है। अरे इस मामा को भूल मत जाना। मुन्ना मुन्ना। ऐसे ही जाने दिया उसको, गाड़ी भाड़ा भी नहीं दिया। उसे कोई पावर खींच रही है। अगर उसे मारने के लिए मैंने हाथ उठाया तो मुझे मारने में उसे वक्त नहीं लगता। जिसके पीछे वो जा रहा है वही उसका काम तमाम कर देंगे, तब उसकी समझ में आएगा। जाओ उसका पीछा करो। पुलिस कंप्लेन करी तो? बेटी, गुरु कौन है कैसा आदमी है हमको मालूम नहीं। अगर हमारी कंप्लेन करने के बाद उसकी जान को खतरा हुआ तो? कहाँ गए थे? मुझे बता कर नहीं जा सकते थे क्या? बिना बताए कोई जाता है क्या? तुम्हें बताया हम सब कितने टेंशन में थे। दादाजी, दीदी गुरु को मार रही है। हाँ, वो तो प्यार से मारती है। देखो प्यार कर रही है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे वो कहाँ चला गया? बताना कहाँ गया वो। भैया हमारे शहर के रोड बहुत खराब हो गए ना, लेकिन ट्रैफिक भी तो कम नहीं है। हर इंसान को जल्दी है। ट्रैफिक जाम हो गया था भैया, थोड़ी देर ट्रैफिक में रुके तो रोड खाली हो गया, फिर कोई भी नहीं था। दूसरा कोई रुके ना रुके, हमारा आदमी कहाँ रुकता है? वो तो जहाँ वहाँ कट मार के चला गया और हम यहाँ वहाँ देखते रह गए और वो गया है। नहीं नहीं मैं किस सिग्नल पर मिस हो गया वो? अमीरपेट। अभी तो तुमने कहा था कि कृष्णा नगर। मतलब अमीरपेट तो कृष्णा नगर के बाजू में ही है ना, लाइक सेम सेम। अभी दिलशुक नगर पंजाब गुट बाजू में ही है ना, है ना निमी? तुम दोनों मेरे पास पास खड़े, फिर भी मैंने तुम दोनों पर गोली नहीं चलाई। अगर वो चला गया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने मेरी उस दिन जान बचाई थी। किसी भी तरह से उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं। एक हफ्ते बाद मेरी शादी है, तुम दोनों जरूर आना। किधर है? एक हफ्ता हुआ वो मेरा आदमी दिखाई नहीं दिया। किधर गए? नई गाड़ी ली है, करीमनगर में अपनी माँ के पास गए, अभी तक नहीं आए हैं। उधर से सिनेमा गया होगा, 3-4 घंटे में आ जाएगा। उतना ही नहीं, सिनेमा देख के एक्साइट हो गया होगा तो हीरो को कुछ बोला होगा, तो हीरो हीरोइन के फैन ने उसको इतना मारा होगा, अब वो सिनेमा तो क्या सिनेमा का नाम भी नहीं लेगा। ओके जी, हम लोग चलते हैं। क्या रे, तू नहीं आ रहा? आप लोग जाओ, मुझे थोड़ा सेटलमेंट करना है। देखो उसको जाके एक हफ्ता हो गया, अब वो आए या ना आए क्या भरोसा। तुम आ गए? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। हाँ जल्दी जाके कार बेच के जल्दी से वापस आया। क्यों? क्यों मत पूछ, उसको मैंने स्कूटर के भाव में बेच दिया। लेकिन क्यों? क्यों क्यों रे, 4 पहिए की गाड़ी होने का कुछ भी फायदा नहीं है। आगे जाने के लिए तो 4 गियर है, पीछे आने के लिए एक ही गियर, ये क्या बात हुई? तू? मैं रिवर्स गियर में आया तो मेरा सिर टकरा गया, ऐसी गाड़ी रखने से क्या फायदा, इसलिए मैंने बेच दिया। मैंने ठीक कहा ना पम्मी? इसे तो गाड़ी भी नहीं चलाने आती। ये क्यों आया था? बाहर गया हुआ आदमी एक हफ्ते बाद घर आया तो उससे प्यार से बात करनी छोड़ के वैसे ही चली गई। भैया हाँ, इसको पकड़ो। ये क्या है रे? इसमें इसको सीधा डालने का। ओके नजदीक आ रे। तुम्हें ये पसंद आया? अच्छा है ना? स्टेला की शादी में यही देंगे। हमसे जितनी भी हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए। गायत्री। देखो गुरु, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तुम्हारे पास गन है तो मेरे पास भी गन है, लाइक सेम सेम। मैं क्या बोला था, उधर आग लगाएगी तो धुआं आएगा ही, आ गया ना? तू क्या समझा मैं मर गया? मुझे जिंदा देखकर तुझे शौक लग गया भिड़ू? अभी समझ में आया कि अभी भी कुछ डाउट है। रुद्रा मुझे तो पहले ही मालूम था कि तू जिंदा है। जो ताकतवर होता है वो छुप कर कभी वार नहीं करता, हिजड़ों का काम है ये। राइट है, फिर भी रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ समझा? ये राजनीति है,
अभी भी गर्भ छोड़ के मेरी शरण में आ जा तो तेरा सिर बच जाएगा। तुझे बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन तू तो आसानी से मरने आ गया। सत्या, शूट हिम। सत्या, क्या किया? जानते हो राइट क्या है? वो तुम्हारा आदमी नहीं है। रॉन्ग का मतलब वो मेरा आदमी है। उस ड्रेस में स्टाइल अच्छी लग रही है ना? वो ड्रेस तुम पहनोगी तो और अच्छी लगोगी। हमारे यहाँ शादी में साड़ी पहनते हैं। साड़ी में भी तुम अच्छी दिखोगी। देखो मुझे गुस्सा आएगा। हाँ तब भी अच्छी दिखोगी। अभी मैं रोऊंगी। फिर भी सुंदर दिखोगी। जब देखो तब यही कहते रहते हो। हाय, आओ आओ। हाय। हाय अंकल। बहुत सुंदर है। तुम्हारे पापा की आई प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से बात की है। वो दो दिन में आ रहे हैं। okay. तुम्हारे पापा को चेकअप के लिए जरूर लेकर जाएंगे। आप अपनी बेटी की शादी में भी मेरे बारे में सोच रहे हैं? ये क्या, तुम भी तो मेरी बेटी के समान हो ना? इसे किसी पुरानी बात से काफी परेशानी है जो उसने अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखी है। शायद उसे वो बात फिर से याद आ गई हो, इसलिए शायद गिर गया है। जब इसे होश आ जाए तो इसे मेरी क्लिनिक में ले आना, मैं इसका ठीक से चेकअप कर दूंगा। ओके फादर, गॉड बाय। माँ, 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 यहाँ, यही, यही है, माँ, माँ। फादर, चर्च में पियानो बजाने वाली लेडी थी क्या? अभी नहीं है, पहले दो तीन रहती थी। उनकी फोटो देख सकती हूँ? देखो देखो ना। मा, 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 फादर, मा, इनकी कोई डिटेल्स है? हाँ गुरु, देखो। उस वक्त फादर डिपेट्रिक्स रहते थे, उनको शायद इसके बारे में मालूम होगा। वो कहाँ है? वो अभी जर्मनी में सेटल हो गए, शायद नेक्स्ट वीक में आएंगे। मैं तुम्हें खबर कर दूँ। ठीक है फादर। माँ कहाँ? माँ फोटो चाहिए था ना? ले लो। माँ, माँ, इसे देखोगी तो माँ अच्छे से दिखेगी। ए मोसेस, वाओ, सुपर नोट्स मालूम है? ये नोट बहुत ही मुश्किल है गुरु, मैं बजा के दिखाऊं? ठीक है, मेरा पियानो है, तुम्हें क्यों पूछ रही हूँ, बजाती हूँ। ओके
ऐसे क्या देख रहे हो? माँ गाना। डरने की कोई बात नहीं है, ये बचपन से ब्लाइंड नहीं है, इसलिए एक माइनर ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगे। इस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। ओके डॉक्टर। और हाँ, मैं इधर 2 महीना रहूंगी, तब तक अभी भी ऑपरेशन कर लेंगे। हाँ, आंखें आ जाएंगी ना? हाँ, आंखें आ जाएंगी। हाँ, मुझे मालूम है। डॉक्टर, इस ऑपरेशन में कितना खर्च होगा? कितना होगा बेटी? 4-5 लाख ही हो जाएगा। हाँ, वो भी जल्दी करेंगे तो अच्छा है, अब इनकी उम्र भी तो बढ़ रही है ना। हाँ, वो 3 नंबर का पेशेंट कैसा है? हम यहाँ क्यों आए हैं? पैसों के लिए। क्यों? वासुदेव की आँख के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। ऐसा डॉक्टर ने कहा? हा? डॉक्टर को देने के लिए पैसे चाहिए। डॉक्टर को पैसे क्यों देने? पैसे देने से ही काम होगा। हाँ, वेरी गुड, अच्छे से समझ गया ना। पैसे मतलब? कैश। कैश मतलब? रुपए। रुपए 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 मतलब? मतलब ये ये ये। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, दे दो। अभी 1 लाख है। 5 लाख मतलब? 1 लाख है ना। अरे किधर है, मालूम होता तो लाके डॉक्टर को दे नहीं देता मैं क्या? मालूम नहीं तो कैसे ढूंढेंगे? वो मेरा कर्म, जिसने पैसे बना कर रखे हैं उसे भी पैसे चाहिए। पैसे बहुत जरूरी चीज है, इंसान मर रहा है, इंसान को बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। क्या मतलब? पैसा। पैसे मतलब? ज्ञान। पैसे का क्या मतलब होता है? छोड़ रे बाबा, मेरी जान निकल रही है, मैं मर जाऊंगा। ये है पैसा, ये 5 चाहिए। अरे डेड बॉडी नहीं, रुक मैं बताता हूँ तुझे। हाँ। देखो, हाँ। 5 के बाजू में 1 जीरो रहता है ना, अरे उसके साथ 4 जीरो और लगाने से 5 लाख हो जाएगा, समझ गया? हाँ। अंकल चलिए। क्या हुआ बेटी? काम नहीं हुआ। चिंता मत करो बेटी, हमारे नसीब में हुआ तो सब ठीक हो जाएगा बेटी, ईश्वर सब ठीक करेंगे बेटी, चिंता मत करो तुम। 5 लाख डॉक्टर को देंगे, वासुदेव के आके ठीक हो जाएगा। बोल ना, ये झगड़े की आवाज कैसी? शादी हो गई है ना, अभी तो ये झगड़ा हमेशा होता ही रहेगा। तू बोल। नहीं कुछ नहीं। बोल ना। कुछ नहीं। हेलो हेलो गायत्री। फादर। ओह, ये औरत तुलसी है, चर्च के पास कंपाउंड में इसका घर था। इस औरत का आदमी आर्मी में काम करता था, ये औरत जर्नलिस्ट का काम करती थी, इसे संगीत बहुत पसंद था। हाँ। हर संडे उसका लड़का चर्च में आके पियानो बजाता था, वो अपने घर से ज्यादा चर्च में वक्त बिताता था। उन माँ बेटों से सभी लोग हमेशा बहुत खुश रहते थे। क्या पता किसकी नजर लग गई। क्या हुआ था फादर? एक दिन उनके घर के बाहर मैंने पुलिस को देखा था, पूछताछ पर पता चला कि उसका आदमी छुट्टियों पर आया था, उसने किसी के कहने पर अपने बीवी पर शक खा के उसे जान से मार दिया। हाँ, माँ को पापा ने मारा। मेरे पापा कौन है? फादर, उनके हस्बैंड कहाँ हैं? बाद में अब्रोड चला गया बेटी, उनकी माँ के बारे में, फैमिली के बारे में किसी को कुछ मालूम। थैंक यू फादर। मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। ऐसा मत सोचो गुरु, ऐसा मत सोचो। नहीं, मेरी माँ अच्छी थी, वो ही बुरा है। मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा उसे, जरूर मार दूंगा। गुरु, उन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा उन्हें मिली ही होगी। उसे मार डालूंगा। कैसे मारोगे? मैं उसे ढूंढ के मारूंगा। कहाँ ढूंढोगे उसे? मारूंगा, जरूर मारूंगा, जरूर मारूंगा, मार डालूंगा। मैं डालूंगा तुमको, तूने मेरी माँ को मारा, तू ही मेरा बाप है। सच तुम्हें बताना, सच बताओ। मुझे नीचे आना पड़ेगा, मुझे नीचे उतारो, नीचे नीचे उतारो, बताओ। बोलता हूँ, बोलूँगा। मेरी बहन तुलसी यानी तुम्हारी माँ, वो एक आर्मी ऑफिसर से प्यार करती थी, उसने उससे शादी करने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया। 5-6 साल के बाद मैं तुम्हारी माँ से मिला तो वो भाग कर आई और मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उससे कहा कि रो मत, उसी वक्त तुम्हारे पापा वहाँ आ गए और हम दोनों को गलत समझ बैठे, उन्होंने तुम्हारी माँ को मार डाला। तुम्हें भी मारना चाहते थे वो, लेकिन मैं तुम्हें लेकर वहां से निकल गया। मैंने तुम्हारी परवरिश एक शेर जैसे की कि कभी तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे मार डालो, उसे कचल डालो, ताकि फिर कभी कोई पति अपनी बीवी को मार न सके। मैंने तुमको शेर जैसा पाला और तू अपने मामा को ही मारना चाहता है। अगर तूने मुझे मार दिया तो अपने बाप को पहचानेगा कैसे? इस दुनिया में उसे पहचानने वाला बस एक मैं ही हूँ। उसे ढूंढने के लिए हम दोनों को साथ मिलकर रहना होगा और तू मुझे छोड़कर जा रहा है, फिर तू अपने बाप को पहचानेगा कैसे? नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सच? लेकिन मुझे पैसे चाहिए। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 5 लाख रुपए चाहिए। बस इतना ही ना? अभी देता हूँ। लेकिन क्यों? नहीं बताओ, मत बताओ, मत बताओ।
तुम्हारा जीवन सुधर चुका है, फिर क्यों इस नरक में वापिस आ रहे हो? वासुदेव और गायत्री की खुशी के लिए, और मुझे मेरे बाप को मारना है इसलिए। पूरे 5 लाख रुपए। अरे जा किधर रहे हो? वापस आओगे ना? लौट आऊंगा। अरे इतने पैसे कहाँ से लाया? ये ले जाकर दे देना, मेरा नाम मत कहना। पैसे क्यों? उनकी भलाई के लिए, नाम बताएगा तो बुरा हो जाएगा, ऐसा गायत्री ने कहा था। क्या तुम नहीं आओगे? मुझे कुछ काम है। गायत्री को मैं क्या कहूँ? बोल देना अपने बाप को ढूंढे। अरे सुनो तो, मैं क्या बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं सुन रहा है, लेकिन ये पैसे लाया कहाँ से? चलो ठीक है, आओ चलो मेरे साथ, बताओ बाप। ए, रुक रुक रुक, मैं क्या वॉचमैन हूँ क्या? वो क्या बाजू के कमरे में रहता है? वो किधर है? कौन से देश में रहता है? उसको ढूंढने के लिए बहुत खर्चा होगा। खर्चा मतलब? वही पैसा, पैसा। इतना पैसा तू लेकर गया, अब इस मामा के पास तो कुछ भी नहीं बचा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। मतलब क्या करूं? मैं जो बोलूं वो तुझे करना पड़ेगा। करूंगा। किसी की जान लेना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी की जान बचाना बहुत ही मुश्किल। ए, 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 मुन्ना, ए, क्या हुआ तुझको? मैं देख रहा हूँ आज तू पहली बार मार खा रहा है, ए, क्या हुआ तुझको? किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, गायत्री ने कहा था। गायत्री? तुम्हारे लिए गायत्री जरूरी है या जिसकी वजह से तुम्हारी माँ मर गई वो तुम्हारा बाप जरूरी है? तुम्हारी माँ से ज्यादा एक लड़की की बातें तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है क्या? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ को कितनी बेरहमी से तुम्हारे बाप ने मार डाला, उसको ढूंढने के लिए पैसा चाहिए। जीतना जरूरी है तुम्हारे लिए। नहीं तो ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारी माँ, माँ को देखो, ये है तुम्हारी माँ। देख देख, क्या मार डालू उसे? चलो आओ निमी, निकलो यहाँ से। ए कम ऑन, चलो चलो। ए माँ, मैडम डॉक्टर बुला रहे हैं, ऑपरेशन का वक्त हो गया है। चल अंदर जा, बोल तेरे साथ ही कहाँ है। सॉरी बॉस, मैंने सोचा था तो निम्मी के साथ है। निम्मी तू मेरे साथ है ये मैंने सोचा था। आखिर लो मिल ही गई। वो दृद्र रुद्रा बहुत टेंशन में आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे गांव की पुलिस ऐसी है कि कुछ नहीं भी कहो तो भी हवालात में डाल देती है, उन्हें मालूम पड़ता ही हवालात में डाल देती है। आजा बॉस तुम्हारे लिए अच्छी जेल, आजा बैठ बैठ, चल अंदर बैठ। हॉस्पिटल जाना है। गुरु कहां से आ रहे हो? मेरी आइडेंटिटी। देखो अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बता सकता कि तुम कहां से आ रहे हो। फ्रेंड ने आंखें खोली क्या? पापा की आंखें नहीं, मेरी आंखें खुल गई हैं। आज तक मैं समझती रही कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैंने क्या किया? प्लीज यहां से चले जाओ। फ्रेंड को देख के चला जाऊंगा? नहीं, तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को मेरे पापा अपनी आंखों से कभी नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखने दूंगी। चले जाओ यहां से, जाओ। सुनो गायत्री। नहीं गुरु, नहीं, मेरा नाम लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। चले जाओ यहां से, जाओ यहां से। मत। चला जाऊंगा।
हाँ बैठ। मिला है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ही लोग मिलते हैं, कुछ भी पूछने पर जवाब ही नहीं देते। हाँ वकील साहब कैसे हैं? बाद में फोन करता हूँ। ए मुन्ना, ए मुन्ना। गुरु के बारे में तुमको सब मालूम पड़ गया, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। राम को जब वनवास हुआ था तो उसके साथ सीता और लक्ष्मण थे। देखो गायत्री, उसकी दुनिया तुम हो, तुम्हारे बिना वो बिल्कुल अकेला है। देखो तुम ऐसा मत करो, तुम यही जानती हो ना कि वो जेल गया था। लेकिन वो जेल क्यों गया था तुम्हें पता है? मुझे मालूम है, पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर आया था। मालूम है, लेकिन फिर भी तुमने? मैडम जो लेमिनेशन के लिए फोटो दिया था वो खो गया था ना। मिल गया? हाँ स्टूडियो की सफाई कर रहे थे तभी मिल गया था। ये कौन है? ये तो गुरु की माँ है। वो यहाँ? इनके साथ जो फोटो में है वो उनकी रिश्तेदार हैं क्या? फैमिली फ्रेंड है? उनके बारे में कुछ मालूम है? ये तुलसी का हस्बैंड है क्या? नहीं नहीं, क्या वो यही है फादर? इसमें कोई शक नहीं बेटी, यही तुलसी का हस्बैंड। हाँ? इसी ने उसको मार डाला। गुरु ने एक बार सोच लिया तो बस, वो अपने माँ के कातिल को ढूंढ रहा है। अगर उससे कहूंगी कि ये उसके पापा हैं, तो क्या होगा सोचिए। लेकिन वासुदेव, उसके पापा ऐसे मत बताओ। लेकिन बताना तो पड़ेगा, और ये बात जानकर गुरु जानवर बन जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। मैं उन दोनों को जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, दोनों में से एक को भी नहीं खो सकती। पापा की जान भी बचानी है और गुरु को जेल जाने से भी बचाना है मुझे। लेकिन तुम्हारा प्यार? ये जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रहें। वो जहां भी रहे सही सलामत रहे, यही मेरी तमन्ना है। मैं हमेशा गुरु का भला ही चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है? क्या मेरा सोचना गलत है? कुछ गलत नहीं है, ले भी ले। हाँ ये गलत है, गायत्री ने कहा था। ए मस्तान, तू क्यों शराब पी रहा है रे? मेरी और मेरे दोस्त के साथ भाग गई मैं। देखो औरत रहे तो भी तकलीफ और ना रहे तो भी तकलीफ, इस दुनिया में सारी तकलीफें औरतों की वजह से। औरत ना रही तो ए मुन्ना मुन्ना जा रहे, छोड़ रहे ये गिलास ले आ रहे, ले पी ना यार। मुझे भी बहुत तकलीफ है। तुम्हारा मामा है ना ये? ए लाइट ऑफ। मैं आ गया। आप यहाँ अभी क्यों आ गए? कुछ नहीं, भैया ने कहा था उनके सिर में दर्द था, तब झंडू बाम लगाकर तुमने पप्पी दी थी तो ठीक हो गया था। मुझे भी चार दिन से सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं झंडू बाम लेकर आया हूँ। फिर जल्दी आओ, जल्दी आओ। तैयार हूँ, झंडू बाम निकालो। दर्द हो रहा है? इधर इधर, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, झंडू बाम निकालो। इतनी जल्दी क्या है? देखो ना कितने दिनों से दर्द हो रहा है, ये लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा। लगता है कोई आ गया, झंडू बाम निकालो। एक मिनट आई हूं। अरे अरे झंडू बम निकाल, जल्दी जाओ, मेरे पति आ गए, जल्दी छुपो। लेकिन मेरा क्या होगा झंडू बम? क्या रे, दरवाजा खुलने में कितना टाइम लगाया? आप तो दो दिन बाद आने वाले थे। एक दिन में आया, तुझे प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे बारे में बुरी बातें पूरे शहर में चिकनगुनिया जैसे फैल गया है, इसीलिए चेकिंग करने के लिए आया। अभी भी चेकिंग के लिए आए हो? चेकिंग के लिए आया हूँ। किसी पराए आदमी की स्मेल आ रही है। रुक रे, स्टैचू, ये भी स्टैचू क्या रे? तूने सारे स्टैचू को ढक के रख दिया, इसको क्यों नहीं ढका? अभी स्टैचू को ढकना है। मैं कब से देख रहा हूँ तू बहुत घबराई हुई है, क्या बात है? ये तो हमारी कैंटीन में काम करने वाले कामराज जैसे दिखता है ना? नहीं जी, मैंने उसे देखकर बनाया है। तूने इसे देखकर सेम बना दिया? तो क्या तुम एकदम मनुष्य जैसा बना देती है? मेरे बारे में गलत सोचोगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं रे, मैं ही तुझे मार डालूंगा। बात चाहे कुछ भी हो, ये पुतला तो मुझे ओरिजिनल जैसा ही दिख रहा है। ये तो कामराज है, इसको पकड़ने के लिए मुझको कोई आइडिया दो भगवान प्लीज। नहीं रे। ऐसे तो शाहरुख खान भी एक्टिंग नहीं करेगा। इसको पकड़ने के लिए कोई ना कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। बाजू 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 बाजू। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तू मनुष्य है, इसका प्रूफ है मेरे पास, ये गन। इस गन से दो चांस दे रहा हूँ तुझे, एक चांस अगर तू कामराज है तो तुझे छोड़ के मैं इसे शूट कर दूंगा। रेडी फर्स्ट चांस।
ओहो, क्या बात है? सेकंड चांस। इतने पुतले कहां से रहे? नहीं, आंखें ठीक होने के बाद एक बार उसे देखने का मन कर रहा था। वो यहाँ नहीं है इसलिए निराश हो गया। गुड मॉर्निंग, डॉक्टर आ रही है। पट्टियां निकाल दे। पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ये मेडिसिन है ना, हर घंटे की बात। बचपन में देखा था, ठीक है? अब कितनी बड़ी हो गई है। तुमने देखा नहीं तो क्या उतनी बड़ी रहेगी वो? डॉक्टर, और कितने दिन यहाँ रहना होगा? बस वही वो पिक है। डिस्चार्ज करेंगे। मैं तो सोचा था कि बहुत बड़ा जेंटलमैन होगा, तू तो एकदम कौवे के बच्चे जैसा। डॉक्टर, इसके आंखों में फिर से पट्टी बांध दो। कंटिन्यू डालते रहना। ओके। दीदी, दीदी, दादाजी देख सकते हैं? हे दादाजी, दादाजी, दादाजी अभी। मैं कौन हूँ? तुम्हारा नाम है सर शांति, तुम्हारा घर बाजू में है, तुमको भेल पसंद है। और मेरा नाम नहीं बोलोगे? मेरी परवरिश इसी गांव में हुई है। पैदा हुआ करके बोल, परवरिश हुआ नहीं बोलते। तू शिवा, तुमको वीडियो पसंद है। मेरा बाप बुरा आदमी है, मार डालूंगा। लेकिन वो कहाँ है? नहीं भी होगा, ढूंढ के मारूंगा। मेरी बात नहीं, नहीं सुनूंगा, मारूंगा। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा, मेरी आंखें ठीक हुई हैं तब से देख रहा हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया पापा? मैंने क्या छुपाया? हे भगवान, ये गुरु की माँ है। तुलसी गुरु की माँ? अगर आप तुलसी के हस्बैंड हैं तो फिर मैं कौन हूँ? बोलिए ना पापा। बताता हूँ। गायत्री तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी, कल तुमने शराब क्यों पी? गायत्री ने तुमको निकाल दिया इसीलिए, है ना? हाँ। जब औरत किसी इंसान को एक बार दिल में रखती है तो कुछ भी हो जाए दूसरे को जगह नहीं देती। तुम जाके गायत्री को सब कुछ बता दो, वो तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन पापा, तुम्हारे पापा आखिर हैं कहाँ? अगर अब तक मर गए होंगे तो उनकी आत्मा यही सोचकर परेशान होगी कि तुमने अपनी अच्छी खासी जिंदगी खराब कर दी। और अगर रुद्रा तुम्हारे पापा की जगह किसी और को ले आया तो तुम मान लोगे क्या? सच मान लूंगा। ऐसे ही तुम्हारी तरह एक सच मानकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसकी नजर में तू नोट छापने की मशीन है, उसे सुख देने वाला एक खिलौना। तू उसके साथ रहेगा तो उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इसीलिए वो तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। अगर तुम उसे इसी तरह परेशान करते रहे तो वो तुम्हें जान से मार देगा। वैसे भी ताकत कम हो जाने पर वो तुम्हें निकाल ही देगा, क्योंकि रुद्रा को हर हाल में जीत ही पसंद है। अब तुम बताओ, इन हालात में अपने पापा को कहाँ ढूंढने जाओगे तुम? चला जाऊंगा, लेकिन उसे ढूंढ के रहूंगा। तुम यहाँ से चले गए तो उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो रोक दे, लेकिन गायत्री और उसके पापा को नहीं छोड़ेगा। देखो गुरु, तुम्हारे सामने जो भी आए तुम उसे जवाब दे सकते हो, वो ताकत तुम में है। लेकिन बाली की शक्ति जान के भी श्री राम ने चोरी से छुप कर उसे तीर मारा था, और रुद्रा उसकी तो आदत है छुपके मारने की। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं बताता हूं, इन सब की जड़ क्या है? वो है रुद्रा, उसको मारो। गलत है। हाँ? उन्होंने मुझे खाना खिलाया, किसी को मारते नहीं, गायत्री ने कहा था। अरे गायत्री, 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 अरे तू समझता क्यों नहीं है? गायत्री को कुछ भी नहीं होगा, तू यहां रहेगा, वो वहां चला जाएगा और उसके बाप को मार डालेगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होगा। तू क्या समझता कि अगर तू रुद्रा से झगड़ा नहीं करेगा तो वो तुझसे नहीं लड़ेगा? पहले रुद्रा तुझसे प्यार क्यों करता था? क्योंकि तू हमेशा जीतता था, और हारने वालों को रुद्रा बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं चाहता। तू समझ गया ना? पैसा गिन के रखो रे। ये क्या कर रहा है?
ले मुन्ना, मार डाल उसे, खत्म कर दे। हाँ जल्दी कर, जल्दी जल्दी लेके चलो। गुरु, गुरु, अरे हटो, चलो। क्या हुआ गुरु को? हटो मत, क्या हुआ गुरु को? गुरु मेरा बेटा, गुरु मेरा बेटा, गुरु गुरु जल्दी अंदर लेके चलो, ये बहुत सीरियस है। आशु जल्दी करो, अरे अब ये मेरा बेटा जब तक जिंदा है अब चलिए, मेरा बेटा है गुरु, गुरु 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 मेरा बेटा है। वासुदेव अभी तक जिंदा है? कोई नहीं, जिसको मिलना जिसके साथ नहीं चाहिए था उसी के साथ रह रहा था। मेरा अस्त्र हाथ से निकल गया। वासुदेव से मिलना होगा क्या? खून खून को पुकारता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसे मार डालो रुद्रा, उसे मार डालो। सच मालूम पड़ा तो वो हमें मार डालेगा, इससे पहले हम उसे मार देते हैं। इन्हीं हाथों से उसे बड़ा किया था, इन्हीं हाथों से उसे मारूंगा। सत्या, डॉक्टर इन्हें एक महीने तक आराम की बहुत जरूरत है। ये पेशेंट आपके कौन लगते हैं? मैं हूँ पापा। आप जरा बाद में आकर मुझसे मिल लीजिएगा। चांदना क्यों खुद मारने क्यों नहीं गया? उन्होंने चंद्रगुप्त को क्यों भेजा? गुरु आराम करो। नाम नहीं जानता फ्रेंड, पहचाना? गायत्री की वजह से। गायत्री ने मुझे डांटा इसलिए सॉरी बोल के तुम्हें ले जाने के लिए आई है ये। मैं नहीं आऊंगा, मेरा बाप बहुत बुरा, उसे ढूंढ के मारना है। अगर तुम्हारे पापा अच्छे इंसान होंगे तो? नहीं, मेरी माँ अच्छी थी, मेरे बाप ने मुझसे मार डाला, वो बुरा आदमी है। अच्छा या बुरा, यह हमारे देखने का नजरिया होता है। शायद इस बात की कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना। अब तुम्हें ही देख लो, तुम चार लोगों को मारकर पैसे लाए और उसी पैसों से पापा की आंखों का ऑपरेशन करवाया। अब ये बताओ तुम अच्छे हो या बुरे? वो बात अलग। कोई अलग बात नहीं है। नहीं, तुमने कहा था जीव हिंसा नहीं करनी, मेरी माँ अच्छी थी लेकिन उसने मारा, मेरा बाप बुरा है, मैं उसे मारूंगा। तुम बताओ ये गलत है दोस्त? कोई गलत नहीं पापा, इस दुनिया में माँ से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर विघ्नेश्वर ने माँ की बातों का सम्मान करके अपने पिता से सवाल किया था। पापा यही वो धरती है जहाँ परशुराम ने अपने पापा की बात मानकर अपनी माँ का सिर काटा था। परशुराम के पिता ने उसकी माँ की जान वापस भी तो दे दी थी, गुरु के पापा उसकी माँ की जान वापस दे सकते है क्या? गुरु बताओ तुम्हारे पापा कौन है? अगर वो वापस आ जाए तो क्या तुम उसे मार डालोगे? उसी वक्त तुम्हारे पापा कोई और नहीं, पापा मैं हूं। मैं ही तुम्हारा बापू। नहीं, नहीं अब मारो मुझे। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकते, तुम तो अच्छे इंसान हो। कोई भी बाप पापा मरने के बाद उसका बेटा उसकी चिता को आग दे ऐसा चाहता है? लेकिन मेरा अपना खून मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। नहीं पापा, उसी दुख में मैं जी रहा था, लेकिन अब बात कुछ और है। मुझे मार के मेरी चिता जलाने की सोच रहा है ना तू? नहीं, बस इतनी सी बात है तो मार डाल गुरु, मैं तो खुशी खुशी मर जाऊंगा। गुरु मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गुरु, ये मेरा बाप है। गुरु प्लीज मेरी बात तो सुनो, पहले सच्चाई क्या है ये तो जानो। गुरु मेरी बात तो सुनो। बोलो, मेरी माँ को तुमने क्यों मारा? बोलिए पापा, आपका लड़का पहली बार आपसे कुछ सवाल कर रहा है, इसे बताइए सच्चाई क्या है। बोलिए ना पापा, बोलिए बोलिए ना पापा। शादी के लिए लड़की चाहिए तो लड़की ढूंढने आप यहाँ आए हैं। आपकी अभी शादी नहीं हुई? फौज में काम करने वाले को कोई भी अपनी लड़की देने से डरता है, लेकिन उनकी इसमें कोई गलती नहीं होती। टीवी मिक्सर की गारंटी तो होती है, लेकिन हमारी जान की गारंटी नहीं है। अभी तक आपने किसी से प्यार नहीं किया? मुझसे? मुझसे कौन प्यार करेगा? क्या आप करोगी? करूंगी। ऐसे ही फिर हम दोनों एक हो गए, मतलब घर वालों से दूर हो गए।
तुलसी सबको छोड़कर के मेरे साथ आ गई और ऐसे बुरे वक्त में गायत्री के पापा ने हमारी मदद की और हमारी शादी करवा दी। जरा रुकिए। और मेरी छुट्टी खत्म हो गई। अब वापस ड्यूटी पे जाना होगा। अपने माँ बाप से तो दूर हो गई थी, अब मुझसे भी दूर रहना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन तुलसी ने मुझे खुशी खुशी एक लीडर की तरह विदा किया। फोन पर उसने मुझे खुशखबरी दी कि मैं बाप बन गया। हे सुनो, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन हमारी खुशियों को नजर लग गई। ये क्या है? बुक, इससे नकल कर रहा हूँ। गेट आउट। एग्जाम खत्म हो गए इसलिए हमारे आदमी ने फ्रेंड के साथ बार में पार्टी करने का सोचा, तो तुमने उसे सीधा क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। वो कॉपी कर रहा था। वो किताब मेरी देख रहा था ना। तो क्या ये गलत नहीं है? बरोबर। ए, कौन सा सब्जेक्ट था रे? बायोलॉजी। मतलब? मतलब किसी के शरीर के बारे में। ओहो, तो क्या लड़की के बारे में भी होगा? हाँ होगा, इसलिए मैं किताब देख रहा था। अच्छा टीचर, किताब में देखा तो गलती हुई ना? तब तो तुम एक काम करो, डायरेक्ट देखो, हमारे आदमी तुरंत समझ के लिख देंगे। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। ये औरत, वो भी एक टीचर है जिसकी रोड पर इज्जत लूटी जा रही है और तुम सब लोग देख रहे हो। यही अगर तुम्हारी माँ बहन या बेटी के साथ होता तो तुम इसी तरह देखते रहते? हम दोनों के पति मिलिट्री में काम करते हैं, हमसे दूर अपने संसार से दूर देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। वो किसी लिए मालूम है? इस देश से हमें भी रक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आप इतने सारे लोग इधर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब देखने से अच्छा है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हे, सुनो फूलझड़ी, तू इतना बड़ा लक्षा दे रही है ना, एक काम करता हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने इसके कपड़े निकाल देता हूँ, फिर तुम क्या करोगे देखता हूँ। क्या रे? अरे ठीक बोला ना। हाँ, अरे अरे ये क्या करती है? आने, अरे इधर, देखता हूँ तू क्या करती है। हाँ, अरे अरे तो पकड़ो रे। लेकिन वो सारी बातें मुझसे छुपा कर रखी गई थी। उसको 3 साल की सजा हो गई थी। 3 साल बाद बॉर्डर पर गोली लगने के कारण गायत्री के पिताजी की जान चली गई। उनकी बॉडी लेकर मैं ही आया था। उनकी बॉडी देखकर सब रो रहे थे, लेकिन गायत्री की माँ संगीता, उसकी आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं निकला। असली प्यार क्या होता है वो तब मुझे पता चला। वो अपने आदमी की डेड बॉडी बड़े गर्व से देख रही थी। गायत्री के पिता ने अपने फर्ज की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी और उसकी माँ ने अपने पति के प्यार के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। गायत्री अपने माँ बाप से दूर हो गई थी, इसलिए उसे मैंने एक आश्रम में रखा। चाणक्य अपने आप से मरा है ना, तो चंद्रगुप्त को उसने क्यों पाला? वो भी नहीं खाता था, चाणक्य की सेहत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास रखा। मैं जल्दी जल्दी खा के शक्तिमान जैसा बनूंगा, सबको मारूंगा, है ना माँ? अरे बाप रे, ठीक है, लेकिन किसी को मारना ठीक नहीं है। देखो ये सुन के जल्दी जल्दी खाना खा लो, ओके? हाँ, अरे क्या रे, क्या पढ़ रहा है? युद्धशास्त्र। ये क्या है, युद्धशास्त्र? नहीं, धर्मशास्त्र। इस छोटी सी लड़की को इस तरह छोड़ के आने को तुम्हारा दिल कैसे गया? हाँ, हाँ, ये बात है। तुम क्यों परेशान हो रही हो ये सब सोच करके? तो क्या आपने अभी मुझे इतना ही जाना है? ऐसी बात नहीं है जान। ये जान बात सब बाद में। मैं 3 साल बाद आया हूँ, ऐसे नाराज हो जाओगी? पहले जाके लड़की को लेकर आओ। खाना खाने के बाद। अरे जल्दी करो बाबा। तुलसी मैं जा रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जाना। जर्नलिस्ट तुलसी का घर यही है, वो घर में है। तुलसी, हाँ तुमसे कोई मिलने आया है, बाहर बैठने के लिए बोलो। हाँ हेलो, आप कौन है? तुलसी साहब को क्या काम है? चार लोगों से मुझे पिटवाया, मेरा अपमान किया तुमने, और वही सब तुमने मेरे बारे में।
पेपर में छपवाया कि दुनिया के सामने मैं बदनाम हो जाऊं, मेरा दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन लोगों की वजह से मेरा धंधा चलता है और उन्हीं के दिल से मेरा डर निकल गया। अब तुम्हारी वजह से वो डर वापस आ जाएगा अगर हम लोग तुम्हारा रेप कर दें और वही बात कल सारे अखबारों के हेडलाइंस बन जाए तो लोगों के दिल में फिर से वो डर बैठ जाएगा। ऐसे मरने जा रही हो तुम, छोड़ो मुझे। हम लोगों के रेप करने के बाद मर जाना। ए, 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 पकड़ो तो पकड़ो। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मिलिट्री वाला है, इसका निशाना कभी खाली नहीं जाएगा। लेकिन बासु, उस गन में तो सिर्फ एक गोली बची है और हम में से किसी एक को शूट करोगे, अगर मुझे शूट करोगे तो ये दोनों रेप करेंगे, इसको शूट करोगे तो हम दोनों रेप करेंगे। कैसे भी तुम्हारी औरत का रेप तो होना ही है। ये भारतीय नारी, वो भी तुम्हारी औरत, उसका रेप होते हुए तुम देख नहीं पाओगे। इसलिए एक काम करो, बची हुई एक बुलेट से तुम बम बम। मेरी जान मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी ये चली जाएगी, लेकिन मैं अपनी इज्जत हरगिज खोना नहीं चाहती। कोई भी औरत पतिव्रता ही मरना पसंद करेगी। देखिए, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे मार डालो, इन कमीनों को मुझसे दूर रखना, इस गोली से मुझे मार डालो, मार डालो मुझे। मैं कहती हूँ, क्या सोच रहे हो, वक्त बर्बाद मत करो, अपने हाथों से मुझे मार डालो। मैं कहती हूँ मार डालो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती, मार डालो मुझे। मार डालो ना मुझे। रुक, देख इस लड़के को, इसके अंदर के गुस्से को बढ़ाएंगे, यूज करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे। ये लड़का मुझे चाहिए, तेरी माँ की इज्जत बचाने की खातिर उसी के कहने पर मुझे अपने हाथों से गोली चलानी पड़ी। मैं घायल था और मेरे ही सामने रुद्रा तुम्हें उठा करके ले गया, मैं कुछ ना कर सका। होश आने के बाद मैं आश्रम गया और अनाथ आश्रम से मैं गायत्री को वापस ले आया, लेकिन मेरे मन में इतनी सारी उम्मीदें थी वो सारी बिखर गई। ऐसे वक्त में मैं और क्या कर सकता था। उस दरिंदे रुद्रा ने तुम्हें गलत कहानी सुनाकर मेरे खिलाफ भड़काया। रुद्रा ने जो कुछ भी तुमसे मेरे खिलाफ कहा वो सब गलत है, लेकिन आखिर मैं तुम्हारा ही पिता हूं। केवल एक बार, बस केवल एक बार मुझे पिता कह के बुलाओ, पिता कह के बुलाओ बेटा। पापा, मेरे भांजे को तो अब सब कुछ मालूम पड़ ही गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से मर जाएगा। ए बाजू, तुम दोनों अलग अलग रहते तो शायद मेरे हाथों से बच जाते, लेकिन अब मिलने का कोई फायदा नहीं, अब तो मरना ही है। अरे अरे, इसे कुछ मत करना, ये हमारा आदमी है ना। चलो चलो चलो, यहाँ से चलो। तू जाके मार रहे, भैया ये पाप है भैया, कुछ मत करो भैया। हे 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 हे
छोड़ दीजिए उसे, गुरु छोड़ो मुझे, गुरु गुरु आ जाओ आ जाओ, ए मजा देख मजा देख, देख देख इसको, देख 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 कैसे तड़प रही है। गुरु होश में आओ, गुरु मुझे देखो, मेरी ओर देखो, गुरु 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 मुझसे बात करो, गुरु गुरु इन्हें मार डालो। मुर्दा क्या मारेगा, मर गया ये। गुरु उठाओ, गुरु उठाओ, उठाओ देखेंगे। गुरु उठाओ, बाजार में अपमान किया है इसने, तुम्हारे पापा के हाथों तुम्हारी माँ को गोली मरवा दी इस कमीने ने, इसे छोड़ना मत गुरु, मार डालो इसे। इसे तुम अपने हाथों में नहीं मेरे गले में डालोगे गुरु। गुरु ओम भूर्भुवः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।